नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में मैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए पेपर वन, जो कि जनरल स्टडीज है और ये सभी सब्जेक्ट वालों का सेम होता है, पेपर वन के क्वेश्चन जो है वो आपका पेपर टू चाहे कोई भी हो, पेपर वन का क्वेश्चन आपका सेम होगा। तो उसका कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। इनमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो पेपर वन में आ चुके हैं या फिर ऐसे ही क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, द वर्ड स्टैटिस्टिक इन जर्मन मीन्स। स्टैटिस्टिक का जर्मन मीन्स होता है गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड्स इन बायोलॉजी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायो स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिकल मेथड का बायो में जो यूज होता है, एप्लीकेशन होता है, उसको हम लोग बायो स्टेटिस्टिक बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ बायो स्टेटिस्टिक दैट डील्स विथ मेथड्स ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव बायो स्टेटिस्टिक। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ बायो स्टेटिस्टिक दैट डील्स विथ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मेकिंग प्रेडिक्शंस यूजिंग डाटा कलेक्टेड इज कॉल्ड एज। तो उसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर वन होगा, इन्फेरेंशियल बायो स्टेटिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वांटिटी दैट मे वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली आर कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फ्रूट्स इन अ ट्री इज। इसका आंसर भी ऑप्शन बी होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो स्टेटिस्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमेट्री। बायो स्टेटिस्टिक को बायोमेट्री भी कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायो स्टेटिस्टिक्स। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, फ्रांसिस गैल्टोन। फ्रांसिस गैल्टोन को फादर ऑफ बायो स्टेटिस्टिक्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोमेट्री वाज कॉइंड बाय। तो टर्म बायोमेट्री जो है वो वाल्टर विल्डॉन ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बायो स्टेटिस्टिक्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टेकन फॉर स्टडी इज कॉल्ड एज। तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फ्लावर कलर इज अ, तो फ्लावर कलर जो है वो एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स दैट हैज ओनली फिक्स्ड और फाइनाइट वैल्यूज आर कॉल्ड। तो उसको कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज कॉल्ड क्लास इज अ। उसको कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स दैट कैन हैव एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कॉल्ड। तो उसको कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमारा ये कुछ क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने आपको बताया, और
नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि और भी जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ।